समझौता एक व्यवस्था है जिसमें पीड़ित पार्टी और आरोपी व्यक्ति के बीच समझौता हो जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि समझौता लिखित रूप में ही हो, यह मौखिक भी हो सकता है। दरअसल समझौता करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि दोनों पक्षों को कानूनी लफड़ों में पड़ने की ज़रूरत से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही देश की अदालतों में मुकदमों की संख्या भी कम रहती है। सो गाइज, मेरा नाम है एडवोकेट आबिद और आज हम बात करेंगे कि किन अपराधों में कोर्ट के बाहर समझौता हो सकता है और वहीं किन मामलों में कोर्ट की अनुमति से समझौता हो सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जिन अपराधों में दो पक्षों के बीच समझौता हो जाता है उन अपराधों को शमनीय अपराध कहा जाता है और जिन अपराधों में दोनों पक्षों के बीच में समझौता नहीं होता उन अपराधों को अशमनीय अपराध कहा जाता है। जिन अपराधों में न्यायालय की अनुमति के बिना भी समझौता हो सकता है उनको CRPC के सेक्शन 320 क्लोज 1 में दिया गया है। हालांकि इस समझौते की जानकारी पुलिस को देनी पड़ती है। जिन मामलों में न्यायालय की सहमति से समझौता हो सकता है उनको CRPC के सेक्शन 320 क्लोज 2 में दिया गया है। आइए अब जानते हैं कि कौन से अपराधों में न्यायालय की मंजूरी से समझौता हो सकता है और किन अपराधों में न्यायालय की मंजूरी नहीं चाहिए होती है, अर्थात पुलिस ही इस समझौते को करवा देती है। अब बात करते हैं न्यायालय की अनुमति के बिना होने वाले समझौते। चोरी का मामला इंडियन पेनल कोड यानी IPC के सेक्शन 379 के बारे में प्रावधान है। इसमें वह व्यक्ति समझौता कर सकता है जिसका सामान या कुछ अन्य चीज चोरी हुई है। इस मामले में पुलिस की मध्यस्थता में दोनों पक्षों के बीच समझौता होता है। किसी को चोट पहुंचाना, इसके बारे में इंडियन पेनल कोड के IPC के सेक्शन 323 में प्रावधान है। ऐसे मामले में वह व्यक्ति ही समझौता कर सकता है जिसको चोट पहुंचाई गई है या जो पीड़ित है, अर्थात अपराध का आरोपी समझौता करने की पहल शुरू नहीं कर सकता। धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाना, इंडियन पेनल कोड यानी IPC के सेक्शन 298 के तहत यह एक दंडनीय अपराध है। अगर कोई व्यक्ति किसी की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर चोट पहुंचाता है तो आहत होने वाला व्यक्ति आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा सकता है, लेकिन पुलिस इस मामले में न्यायालय की अनुमति के बिना समझौता कर सकती है। किसी को गलत तरीके से बंधक बनाना, इस अपराध को IPC के सेक्शन 341, 342 में अपराध माना गया है। हालांकि इसमें जिस व्यक्ति को बंधक बनाया गया है वह चाहे कोर्ट के बाहर समझौता कर सकता है। विवाहित महिला को बंधक बनाना या भगा ले जाना, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को बहला फुसलाकर भगा ले जाता है या अपराध करने के उद्देश्य से बंधक बनाता है तो यह IPC की धारा 498 के तहत अपराध है। इस मामले में बंधक महिला के पति को आरोपी के साथ समझौता करने का अधिकार है। यदि किसी व्यक्ति के घर में कोई व्यक्ति या अपराधी बिना आज्ञा के घुसता है तो यह काम IPC के सेक्शन 448 के तहत अपराध है, एक दंडनीय अपराध है और जिस व्यक्ति के घर में घुसने का प्रयास किया गया है वह इसके खिलाफ रिपोर्ट कर सकता है। हालांकि पुलिस की मध्यस्थता में कोर्ट के बाहर भी इस मामले में समझौता किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि न्यायालय की अनुमति से होने वाले समझौते। इन मामलों में समझौता करने के लिए कोर्ट की अनुमति आवश्यक है, अन्यथा समझौता नहीं होगा। किसी महिला का गर्भपात कराना, इंडियन पेनल कोड यानी IPC के सेक्शन 312 के अंतर्गत किसी महिला का उसकी मर्जी के खिलाफ गर्भपात नहीं कराया जा सकता, ऐसा करना दंडनीय अपराध है। यदि कोई पति सगा संबंधी ऐसा करने का प्रयास करता है और पीड़ित महिला पुलिस में FIR करा देती है तो फिर इस मामले में कोर्ट की सहमति से ही दोनों पक्ष समझौता कर सकते हैं। ध्यान रहे कि ऐसे मामले में सिर्फ वही महिला समझौता कर सकती है जिसका गर्भपात कराने का प्रयास किया गया है या करा दिया गया है। दूसरी शादी करना, यदि कोई व्यक्ति महिला अपनी जीवित पत्नी या पति के रहते किसी स्त्री पुरुष से शादी करते हैं तो इस तरह का कृत्य इंडियन पेनल कोड IPC के सेक्शन 494 के तहत अपराध है। इस मामले में कोर्ट की सहमति से पूर्व पति पूर्व पत्नी ही समझौता कर सकते हैं। इसमें ये तीन लोग एक साथ रह सकते हैं, इसका प्रावधान भी कानून में है। किसी महिला पर कमेंट करना, सीटी बजाना या कोई गलत इशारे करना, ये सभी काम जिनसे किसी महिला की मर्यादा को चोट पहुँचती है या महिला को कोई ऐसी चीज दिखाना जिससे कि उसकी मर्यादा भंग होती है, तो इस तरह के काम इंडियन पेनल
कोड यानी आईपीसी के सेक्शन 509 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। ऐसे मामलों में सिर्फ वह महिला ही कोर्ट की सहमति से समझौता कर सकती है जिसके साथ यह घटना घटी होती है। किसी को 3 दिन बंधक बनाकर रखना, यदि कोई व्यक्ति किसी को उसकी इच्छा के बिना 3 दिनों तक बंधक बनाकर रखता है तो पीड़ित व्यक्ति इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी के सेक्शन 343 के अंतर्गत मामला दर्ज करा सकता है। यदि समझौता होता है तो कोर्ट की सहमति से सिर्फ पीड़ित व्यक्ति ही समझौता कर सकता है। 10 रुपये या ऊपर के मूल्य के जानवर को मारना या अपंग करना, यह अपराध पढ़ने में तो थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन यह सच है कि यदि कोई व्यक्ति किसी 10 रुपये या ऊपर के मूल्य के जानवर को मारता या अपंग करता है तो आईपीसी की धारा 428 के तहत उसे सजा होगी और समझौता कोर्ट की सहमति से जानवर के मालिक द्वारा ही किया जा सकता है। धोखाधड़ी से किसी संपत्ति को छुपाना या हड़पना, यदि कोई व्यक्ति धोखाधड़ी से किसी की संपत्ति को चुराता है या हड़पता है तो ऐसा करना आईपीसी के सेक्शन 424 के तहत अपराध है, लेकिन यदि प्रभावित व्यक्ति इस मामले में समझौता करना चाहे तो कोर्ट को बताकर ऐसा कर सकता है। सो गाइज, अब तो आप समझ गए होंगे कि किन मामलों में अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत है और किन मामलों में नहीं। हालांकि सबके हित में यही बात ठीक है कि जिए और जीने दें और बिना वजह मुकदमेबाजी से बचें, क्योंकि इसमें रुपया और समय दोनों की बर्बादी होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपके मन में अभी तक कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।